Welcome students. In our last video, we had discussed about the theme for the Central Islamic Lens. Now in this video, we'll read our next topic, Changing Traditions. Before we get started with our next theme, theme 6, the three orders, we have to read this topic to go through what we have learned in our previous themes and what we will going to learn in our next themes. So let's start. Changing traditions. We have seen how by the 9th century, large parts of Asia and America witnessed the growth and expansion of great empires, some nomadic, some based on well-developed cities and trading networks that centered on them. The difference between the Macedonia, Roman and Arab empires and the ones that preceded them, preceded, the Egyptian, Assyrian, Chinese, Mauryan, was that they covered greater areas of territory and were continental and transcontinental in nature. Transcontinental means crossing the continent. The Mongol Empire was similar. तो हमने अब तक देखा कि 9th century में जो लार्ज पार्ट थे एशिया और अमेरिका के, उन्होंने बहुत ग्रोथ और एम्पायर का बहुत एक्सपेंशन किया, जिसमें से कुछ नोमैडिक एम्पायर थे और कुछ जो थे वो वेल डेवलप्ड सिटीज़ के एम्पायर थे और जिनका ट्रेडिंग नेटवर्क बहुत अच्छा था और जो सेंटर जिनका ट्रेडिंग नेटवर्क उन सिटीज़ पर सेंटर्ड था. और जो डिफरेंस था मैसेडोनिया, रोमन एंड अरब एम्पायर और जो उनके पहले के एम्पायर थे, इजिप्शियन एम्पायर है, अजीरियन है, चाइनीज़ है, मॉरन है, उन सब ने कितने एरियाज़ की टेरिटरी को कवर किया, और चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो यानी कॉन्टिनेंट के अंदर अंदर हो, या फिर ट्रांस कॉन्टिनेंटल हो यानी किसी कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके जिनका टेरिटरी बढ़ गया. मंगोल एम्पायर भी ऐसा ही एक एम्पायर था. तो हमने अब तक ये पढ़ा. Different cultural encounters were crucial to what took place. The arrival of empires was almost always sudden, but they were almost always the result of changes that had been taking place over a long time in the core of what would become an empire. बहुत सारे जो cultural encounters, encounters means सामना होना, तो बहुत सारे ऐसे cultural encounters जो हैं जो crucial होते हैं वो उस एम्पायर में उस समय में जगह लेते हैं अपनी. ठीक है, किसी भी एम्पायर का अराइवल होना उतना ही सडन होता है, लेकिन वो धीरे धीरे चेंज होते हैं. ठीक है, बहुत से चेंजेस उनमें आते हैं और चेंज होने के बाद ही वो अपनी एक जगह बनाते हैं और मतलब यानी एक एम्पायर जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत सारे चेंजेस होना ज़रूरी है, चाहे वो कल्चरल हो, रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो. तो एक एम्पायर का एस्टेब्लिश होना तो सडन एक मूवमेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ चेंजेस को वो ग्रैब करते हुए आगे बढ़ते हैं और वो एक एम्पायर कहलाता है. ट्रेडिशंस इन वर्ल्ड हिस्ट्री कुड चेंज इन डिफरेंट वेज. In Western Europe, during the period from the 9th to 17th centuries, much that we connect with modern times evolved slowly. The development of scientific knowledge based on experiment rather than religious belief. Serious thought about the organization of government, with attention to the creation of civil services, parliaments, and different codes of law. Improvements in technology that was used in industry and agriculture. The consequences of these changes could be felt with great force outside the Europe. तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री की ट्रेडिशंस हैं वो बहुत सी वेज में बदल सकती हैं. जैसे अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो उसमें 9th से 17th सेंचुरी के बीच में बहुत से चेंजेस हुए. उसमें हम ये देखते हैं कि कैसे हम कनेक्ट हुए मॉडर्न टाइम से. ठीक है, कनेक्ट विद मॉडर्न टाइम्स इवॉल्व स्लोली. द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी साइंटिफिक नॉलेज का धीरे धीरे डेवलपमेंट होना, और जो अब एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है ना कि किसी रिलीजियस बिलीफ पर. तो ये चेंजेस हुए, यानी पहले का जो एम्पायर का कोई ट्रेडिशन या हम पहले के यूरोप की बात करें तो वहाँ पे रिलीजियस बिलीफ्स को बहुत मान्यता थी. अब जो है साइंटिफिक नॉलेज पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. कौन सी साइंटिफिक नॉलेज? जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो. ठीक है, सीरियस थॉट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में एक सीरियस नोट. विद अटेंशन टू द क्रिएशन ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए
अब तक गवर्नमेंट एम्पायर जो एम्परर है वो है, अब कैसा जो है गवर्नमेंट है जिसमें सिविल सर्विसेज को क्रिएट किया गया, यानी सिविल सर्विसेज के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो रन होती है, तो उस एक सिनेरियो को ऐड किया गया, पार्लियामेंट, डिफरेंट कोड ऑफ लॉ, इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी दैट वॉज यूज इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज का इम्प्रूवमेंट हुआ जो इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, और इन्हीं के कॉन्सिक्वेंसेज यानी इन्हीं के जो रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, वो हम देखते हैं या हम वो फील कर सकते हैं आउटसाइड द यूरोप. एज वी हैव सीन बाय द 5th सेंचुरी द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट हैड डिसइंटीग्रेटेड इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप. द रिमेन्स ऑफ द रोमन एम्पायर वर स्लोली अडेप्टेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स ऑफ ट्राइब्स दैट हैड एस्टैब्लिश्ड किंगडम्स देयर. हाउएवर अर्बन सेंटर्स वर स्मॉलर इन वेस्टर्न यूरोप देन फर्दर ईस्ट. एज वी हैव सीन, हम जैसा देखते हैं कि बाय द 5th सेंचुरी यानी 5th सेंचुरी तक जो रोमन एम्पायर था वो वेस्ट में डिसइंटीग्रेट होने लगा, यानी उसके छोटे छोटे हिस्सों में वो बंटने लगा. इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है उसमें जो रोमन एम्पायर के रिमेन्स हैं, यानी जो डिसइंटीग्रेट होने लगा वेस्ट में रोमन एम्पायर जो था, अब वेस्टर्न या फिर सेंट्रल यूरोप जो है वहाँ पे रोमन एम्पायर का जो रिमेन्स बचे हुए थे, यानी जो रोमन एम्पायर का थोड़ा बहुत अवशेष या कुछ भी बचा हुआ था उसकी कुछ जो हमें अडॉप्ट करने हैं, तो वो जो है अडेप्ट किए गए, स्लोली अडेप्टेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स. उनको धीरे धीरे अडेप्ट किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के लिए एंड नीड्स ऑफ ट्राइब्स दैट हैड एस्टैब्लिश्ड किंगडम्स देयर. However, urban centers were smaller in Western Europe than further east. जो urban centers थे Western Europe के वो जो were smaller in Western Europe में वो छोटे थे बजाय further east के. By the 9th century, the commercial and urban centers X, London, Rome, Siena, though small, could not be dismissed. एक्स जो है वो सदर्न फ्रांस का एक सिटी या एक जगह कह सकते हैं हम, और लंदन, रोम और सियना जो है इटली का एक सिटी है. तो जो ये 9th सेंचुरी तक के जो कमर्शियल अर्बन सेंटर्स थे, एक्स है या लंदन है या रोम है या सियना है, वो छोटे थे, लेकिन हम इनकी इम्पोर्टेंस को डिसमिस नहीं कर सकते. इनका जो मेजर रोल इन्होंने प्ले किया हम उसको डिसमिस नहीं कर सकते. From the 9th to 11th century, यानी 9th से 11th century तक there were major developments in the countryside in Western Europe. बहुत से ज़्यादा जो developments हुए countryside में Europe की. The church and royal government developed a combination of Roman institution with the customary rules of tribes. यानी चर्च और जो रॉयल गवर्नमेंट थी, रॉयल गवर्नमेंट मीन्स जो एम्परर के थ्रू चलती है, तो जो चर्च और रॉयल गवर्नमेंट ने मिलकर डेवलप्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोमन इंस्टीट्यूशन, उन्होंने एक रोमन इंस्टीट्यूशन का कॉम्बिनेशन डेवलप किया जिसमें कुछ कस्टमरी रूल्स थे जो ट्राइबल्स के थे. ठीक है, द फाइनेस्ट एग्जाम्पल वॉज द एम्पायर ऑफ चार्ल मैग्ने इन वेस्टर्न and central Europe at the beginning of the 9th century. यानी चर्च का और रॉयल गवर्नमेंट के कॉम्बिनेशन के थ्रू बना एक डेवलप हुआ जो रोमन इंस्टीट्यूशन है जिसमें कुछ रूल्स, कस्टमरी रूल्स ट्राइब्स के भी हैं, है ना. तो इनका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन है, चार्ल मैग्ने का एम्पायर हम देख सकते हैं वेस्टर्न यूरोप में था जिनका, और सेंट्रल यूरोप में इस तरह के एम्पायर का या हम कहें इस तरीके के गवर्नमेंट का एग्जाम्पल जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल आपको चार्ल मैग्ने के एम्पायर में मिलेगा या फिर सेंट्रल यूरोप में मिलेगा 9th सेंचुरी की शुरुआत में. इवन आफ्टर इट्स रैपिड कोलैप्स अर्बन सेंटर्स एंड ट्रेडिंग नेटवर्क्स परसिस्टेड. कोलैप्स घटना धीरे धीरे, तो इतना स्विफ्टली ये कोलैप्स हो रहा था, इसके बावजूद भी जो अर्बन सेंटर्स थे और जो ट्रेडिंग नेटवर्क्स थे परसिस्टेड, वो बने रहे. अल्बे अंडर हैवी अटैक्स फ्रॉम हंगेरियंस, वाइकिंग्स एंड अदर्स. अल्बे मीन्स ऑल्दो या दो.
बने रहे, यानी इसका जो इतना रैपिड कोलैप्स हो रहा था उसके बाद भी अर्बन सेंटर्स और ट्रेडिंग नेटवर्क्स जो थे वो परसिस्ट रहे, वैसे ही बने रहे, जबकि इन पे बहुत हैवी अटैक्स हुए हंगेरियंस के. हंगेरियंस हम जानते हैं एक ट्राइब होती है, नेटिव ट्राइब ऑफ हंगरी. हंगरी यूरोप का एक सिटी है, ठीक है, कंट्री है ना. तो हंगेरियंस के ने अटैक किया, वाइकिंग्स ने अटैक किया, और भी अदर ट्राइब्स या और भी अदर ट्राइबल ग्रुप्स थे, नेटिव ग्रुप्स थे जिन्होंने अटैक किया. तो वाइकिंग्स जो होते हैं, वाइकिंग्स जो है वो सी फेयरिंग वॉरियर्स होते हैं स्कैंडिनेविया के, जिसको हम अभी प्रेजेंट में डेनमार्क स्वीडन के नाम से जानते हैं. तो डेनमार्क स्वीडन के जो सी फेयरिंग, यानी ज़्यादातर जो अपनी जर्नी सी पे ही रखते हैं, सी फेयरिंग वॉरियर्स थे वाइकिंग्स. तो इनका काम यही था, ठीक है, पायरेट करना और या फिर लूट करना, रॉब करना सी के रूट्स पे. तो वो एक ट्राइब जो थी उन्होंने अटैक किया, है ना, हंगेरियंस ने अटैक किए. What happened was called feudalism. इसके बाद जो एक एरा आया वो था feudalism का, ठीक है. What happened was called feudalism. Feudalism was marked by agricultural production around castles and manor houses, where lords of the manor possessed land that was cultivated by peasants who pledged them loyalty, goods and services. Feudalism क्या होता है? फ्यूडलिज्म एक सिस्टम होता है लैंड ओनरशिप का और ड्यूटीज़ का, ठीक है. इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, ठीक है, जिनके कासल्स हैं, कासल्स मीन्स स्मॉल फोर्ट एक तरह से. तो फ्यूडलिज्म एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हम मार्क करते हैं, जो कहाँ होता है, कासल्स में या मैनर हाउसेज में. मैनर जो बड़े बड़े ज़मींदारों के घर होते थे वो मैनर कहलाते थे. तो मैनर हाउसेज या फिर कासल्स के आसपास के एरिया में, उनके लैंड में होने वाला कल्टीवेशन या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो फ्यूडलिज्म कहलाता है, जहाँ पे जो उस मैनर का, उस प्रॉपर्टी का लॉर्ड है, उसके पास लैंड है, वो पजेस करता है, वो तो लैंड पजेस करता है और उसके लैंड पे पेजेंट्स जो है, किसान जो है, वो कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, और अपनी लॉयल्टी और अपनी सर्विसेज उसको ओ करते हैं. दीज लॉर्ड्स इन टर्न प्लेज देयर लॉयल्टी टू ग्रेटर लॉर्ड्स हु वर वासल्स ऑफ किंग्स. और ये लॉर्ड्स जो थे, यानी जो लैंड ओनर्स होते थे, ये अपनी लॉयल्टी किसको ओ करते थे, किंग्स को, क्योंकि किंग के वैसल्स हैं. वैसल्स का मतलब होता है होल्डर ऑफ लैंड, या एक तरीके से स्लेव कह सकते हैं, या जो किसी के अंडर होता है. तो पेजेंट्स किसके अंडर हैं, इन लैंड ओनर्स के अंदर है, अंडर हैं, इनके वैसल्स हैं, और ये लैंड ओनर्स किसके वैसल्स हैं, किंग्स के वैसल्स हैं, ठीक है. तो वैसलेज सिस्टम जो होता था, तो ये अपनी लॉयल्टी, लैंड ओनर्स या लैंड होल्डर्स अपनी लॉयल्टी किंग को ओ करते थे, और पेजेंट्स अपनी लॉयल्टी और अपनी सर्विसेज इन लैंड ओनर्स को ओ करते थे. द कैथोलिक चर्च सेंटर्ड ऑन द पेपेसी, पेपेसी का मतलब था अथॉरिटी ऑफ द पोप या ऑफिस ऑफ द पोप, सपोर्टेड द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड इटसेल्फ पजेस लैंड. जो कैथोलिक चर्च थे वो इस तरह के अफेयर्स को, इस तरह के मामलों को सपोर्ट करते थे और खुद लैंड पजेस करते थे, यानी चर्च के पास भी अपनी एक लैंड, अपनी प्रॉपर्टी हुआ करती थी. In our world where uncertainties of life, poor sense of medicines and low life expectancy were common, the church showed people how to behave so that life after death at least would be tolerable. ठीक है, तो एक ऐसा world जहाँ पे life की uncertainty है, medicines जो है वो आपको लो मिल रही हैं, या लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीवन जीने की जो आशा है वो कम है, वहाँ पे चर्च ने लोगों को बिलीव करा दिया कि डेथ के बाद भी लाइफ है और ये सब टॉलरेबल है, ठीक है, यानी लाइफ आफ्टर डेथ वाले कॉन्सेप्ट में चर्च ने लोगों को बिलीव करा दिया. तो मोनेस्टरीज वर क्रिएटेड वेयर गॉड फेयरिंग पीपल कुड डेवोट देमसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ गॉड इन द वे कैथोलिक चर्चमैन थॉट फिट. फिर मॉनेस्टरीज अ बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय मॉन्क्स, जो मॉन्क्स जो बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर लेते थे उनको मॉनेस्टरीज कहते थे. तो मॉनेस्टरीज बनाई गई जहाँ पे भगवान से डरने वाले लोग उन्हीं अपने आप को उनकी भगवान की सर्विस में डिवोट कर देते थे, और जैसा कैथोलिक चर्चमैन जो थे वो अपने आप को करते थे. इक्वली चर्चेज वर पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ स्कॉलरशिप दैट रैन फ्रॉम द मुस्लिम स्टेट्स ऑफ स्पेन टू बाइजेंटियम. बाइजेंटियम ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल है, ठीक है. तो
ऐसे ही चर्च जो थे वो एक ऐसे स्कॉलरशिप के नेटवर्क का पार्ट थे जो मुस्लिम स्पेन के मुस्लिम स्टेट से लेके बाइजेंटियम तक रन होता था. एंड दे प्रोवाइडेड द पेटी किंग्स ऑफ यूरोप. पेटी मीन्स ट्राइबल, ठीक है, छोटे मोटे. तो यूरोप के जो छोटे मोटे राजा थे उनको वो ऐसा एक नेटवर्क ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते थे. दे प्रोवाइडेड द पेटी किंग्स ऑफ यूरोप विद अ सेंस ऑफ ऑपुलेंस ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड बियॉन्ड. तो यूरोप के जो छोटे मोटे किंग थे उनको ऑपुलेंस का मतलब होता है ग्रेट वेल्थ. तो ग्रेट वेल्थ प्रोवाइड कराना तो चर्च का काम ये था. लैंड पजेस करता था, लोगों में लाइफ आफ्टर डेथ वाले कॉन्सेप्ट को बिलीव करवाया, ठीक है, और सेल्फ डिवोशन वाला कॉन्सेप्ट जो था वो बिल्डअप किया, जहाँ लोग जो गॉड फेयरिंग पीपल है वो अपने आप को डिवोट कर सकते थे जैसे कोई चर्चमैन अपने आप को करता है. तो ऐसे मॉनेस्ट्रीज में ऐसे लोग वहाँ पे मॉनेस्ट्रीज बना दी जाती थी जहाँ पे गॉड फेयरिंग पीपल अपने आप को गॉड की सर्विस में ही पूरा डिवोट कर देंगे, ठीक है. तो एक चर्च जो थे वो नेटवर्क भी थे, स्कॉलरशिप का एक नेटवर्क का पार्ट थे जो स्पेन के मुस्लिम स्टेट से लेके बाइजेंटियम तक फैला हुआ था. बाइजेंटियम ईस्टर्न रोमन एम्पायर को हम बाइजेंटियम के नाम से जानते हैं. द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमर्स एंड टाउन्स इन द फ्यूडल ऑर्डर केम टू इवॉल्व एंड चेंज. इवॉल्व का मतलब था डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे डेवलप होना. चेंज एनकरेज बाय मेडिटेरेनियन एंटरप्रेन्योर्स इन वेनिस एंड जिनेवा इन द फ्रॉम द 12th सेंचुरी. तो जो कॉमर्स का इन्फ्लुएंस हुआ या फ्यूडल टाउन्स इन द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम के अंडर जो कॉमर्स और टाउन्स का इन्फ्लुएंस हुआ वो धीरे धीरे इमर्ज हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ और चेंज हुआ. इस चेंज को इनकरेजमेंट मिला मेडिटेरेनियन से लेकर वेनिस और जिनेवा तक. देयर शिप्स कैरीड ऑन अ ग्रोइंग ट्रेड विद मुस्लिम स्टेट्स एंड द रिमेन्स ऑफ द रोमन एम्पायर इन द ईस्ट. इनके शिप्स जो थे वो कहाँ कहाँ ट्रेडिंग करते थे, मुस्लिम स्टेट्स में ट्रेडिंग करते थे और रोमन एम्पायर के रिमेन्स में. अट्रैक्टेड बाय द लर ऑफ वेल्थ, लर का मतलब था टेम्पटेशन, लालच, टेम्प्ट. तो धन के लालच से अट्रैक्ट होकर इन दीज एरियाज दे इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीइंग होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद क्राइस्ट फ्रॉम मुस्लिम्स, यूरोपियन किंग्स रेनफोर्स लिंक्स अक्रॉस द मेडिटेरेनियन ड्यूरिंग द क्रूसेड्स. हमने क्रूसेड्स के बारे में पढ़ा था. तो अट्रैक्टेड बाय द लर ऑफ वेल्थ यानी टेम्प्ट ऑफ वेल्थ, यानी धन के लालच से अट्रैक्ट होकर ऐसे एरियाज में, तो इससे इंस्पायर होकर जो किंग्स थे उन्होंने एक आइडिया जो था कि होली प्लेसेस जो क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट से संबंधित है, उनसे एसोसिएटेड है, उनको हमें मुस्लिम से फ्री कराना है, मुक्त कराना है, ठीक है. इसीलिए यूरोपियन किंग्स ने रेनफोर्स किया एक लिंक मेडिटेरेनियन से लेकर मेडिटेरेनियन फ्रॉम द क्रूसेड्स ड्यूरिंग द क्रूसेड्स. क्रूसेड्स के दौरान मेडिटेरेनियन से एक लिंक जो था वो ऐसे यूरोपियन किंग्स ने एस्टेब्लिश किया टू रेनफोर्स द आइडिया ऑफ फ्रीइंग होली प्लेसेस विच आर एसोसिएटेड विद जीसस क्राइस्ट फ्रॉम मुस्लिम्स, ठीक है. तो मुस्लिम्स से उन प्लेसेस को फ्री कराने के आइडिया को उन्होंने रेनफोर्स किया मेडिटेरेनियन से क्रूसेड्स के दौरान. ट्रेड विद इन यूरोप इम्प्रूव्ड सेंटर्ड ऑन फेयर्स इन द पोर्ट सिटीज ऑफ बाल्टिक सी एंड द नॉर्थ सी एंड स्टिम्युलेटेड बाय अ ग्रोइंग पॉपुलेशन. तो जो भी ट्रेड था यूरोप में वो इम्प्रूव हुआ और स्टिम्युलेट हुआ पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन के ग्रो होने के कारण. अपॉर्चुनिटीज फॉर कमर्शियल एक्सपेंशन कॉन्साइडेड विद चेंजिंग एटीट्यूड्स कंसर्निंग द वैल्यू ऑफ लाइफ. कॉन्साइडेड का मतलब था एक साथ एक समय पे होना, अकरेंस एट द सेम टाइम. अपॉर्चुनिटीज फॉर कमर्शियल एक्सपेंशन कॉन्साइडेड विद चेंजिंग एटीट्यूड्स कंसर्निंग द वैल्यू ऑफ लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग थिंग्स दैट मार्क्ड मच ऑफ इस्लामिक आर्ट. जो हम सेंट्रल इस्लामिक लैंड में पढ़ा हमने इस्लामिक आर्ट एंड लिटरेचर. An example of Greek art and ideas that came to Europe from Byzantine trade encouraged Europeans to take a new look at the world. यानी ये जो commercial expansion हो रहा था, trade का expansion हो रहा था Mediterranean तक, तो इस expansion ने एक और change tradition को change किया, ठीक है, जो value of life से related था. यानी ह्यूमन बीइंग का रिस्पेक्ट करना, लिविंग थिंग का रिस्पेक्ट करना, जिसपे इन्फ्लुएंस किसका था, इस्लामिक आर्ट का, इस्लामिक थॉट्स का, उनके लिटरेचर का,
और बहुत से एग्जाम्पल ग्रीक आर्ट एंड आइडियाज से भी रिलेटेड थे, ठीक है, जो यूरोप में आए बाइजेंटाइन एम्पायर से, और उन्होंने एनकरेज किया यूरोपियंस को एक नया लुक लाइफ की तरफ देखने का और दुनिया को देखने का. एंड फ्रॉम द 14th सेंचुरी इन व्हाट इज कॉल्ड द रेनेसा, स्पेशली नॉर्थ इटालियन टाउन्स, द वेल्दी बिकेम लेस कंसर्न्ड विद लाइफ आफ्टर डेथ एंड मोर विद द वंडर्स ऑफ लाइफ इटसेल्फ. स्कल्प्टर्स, पेंटर्स एंड राइटर्स बिकेम इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटी एंड द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड. तो रेनेसा टर्म का जो था 14th सेंचुरी के आसपास, रेनेसा जिसको हम कहते हैं, एक नया लुक लाइफ के लिए, वर्ल्ड के लिए लोगों के दिमाग में आया. जो यूरोपियन एम्पायर के जो रिच पीपल थे, अब वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव नहीं करते थे, यानी मौत के बाद जीवन किसने देखा, अब वो बिलीव करते थे जो वंडर्स हैं जो हम इसी लाइफ में जी सकते हैं, जो वंडर्स हम इसी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमें उन एक्सपीरियंस को जीना है. उन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हटा देना शुरू किया. तो ये जो नया पीरियड आया, ये रेनेसा कहलाया, ठीक है. इसमें स्कल्प्टर, पेंटर्स, राइटर्स इंटरेस्टेड हुए, ह्यूमैनिटी की तरफ इंटरेस्टेड हुए और वर्ल्ड की डिस्कवरी की तरफ इंटरेस्टेड हुए. बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स एनकरेज्ड ट्रैवल एंड डिस्कवरी एज नेवर बिफोर. यानी ये जो टाइम आया था एंड ऑफ द 15th सेंचुरी में, इस समय में जो अफेयर्स थे, उन अफेयर्स ने एनकरेज किया ट्रैवल को और वर्ल्ड की डिस्कवरी को. वोयेजेस ऑफ डिस्कवरी टुक प्लेसेस, ऐसी बहुत सी समुद्री यात्राएं हुई जिन्होंने कई जगहों को डिस्कवर किया, उन्हें खोजा. स्पेनियर्ड्स एंड पुर्तगीज हु हैड ट्रेडेड विद नॉर्दर्न अफ्रीका पुश्ड फर्दर डाउन द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, फाइनली लीडिंग टू द जर्नीज अराउंड द केप ऑफ गुड होप टू इंडिया, which had a great reputation in Europe as a source of spices that were in great demand. तो जो voyages थी वो हुई Spaniards and Portuguese ने किया, जिन्होंने Northern Africa के साथ trade किया, Western Africa के coast तक उन्होंने अपने आप को further down, push down किया, और फिर कौन सी journey की तरफ lead हुए, Cape of Good Hope to India, which had a great reputation in Europe, जिसकी बहुत reputation थी Europe में spices के मामले में, ठीक है. कोलंबस अटेम्प्टेड टू फाइंड अ वेस्टर्न रूट टू इंडिया एंड इन 1492 रीच द आइलैंड विच द यूरोपियंस कॉल द वेस्ट इंडीज. अदर एक्सप्लोरर्स ट्राइड टू फाइंड अ नॉर्दर्न रूट टू इंडिया एंड चाइना वाया द आर्कटिक. तो कोलंबस ने इंडिया का वेस्टर्न रूट फाइंड आउट किया 1492 में. उसने एक आइलैंड में पहुंचा जिस आइलैंड को यूरोपियंस वेस्ट इंडीज कहते थे, ठीक है. और दूसरों ने जो भी, उन्होंने भी एक्सप्लोर किया, नॉर्दर्न रूट एक्सप्लोर किया इंडिया का, जो चाइना से वाया द आर्कटिक, यानी चाइना से आर्कटिक के बीच में उन्होंने इंडिया का नॉर्दर्न रूट एक्सप्लोर किया. कोलंबस ने वेस्टर्न रूट जो था वो एक्सप्लोर किया. यूरोपियन ट्रैवलर्स इनकाउंटर्ड अ रेंज ऑफ डिफरेंट पीपल्स इन द कोर्स ऑफ देयर जर्नीज, इन पार्ट दे वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्राम देम. यानि यूरोपियन ट्रैवलर्स जो थे वो अलग अलग, इन जर्नीज के दौरान हमें अलग अलग लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो इन जर्नीज के दौरान वो इस चीज़ से काफ़ी इनक्रेज हुए लोगों से कुछ सीखना. दे वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्राम देम, उनसे सीखने में इंटरेस्टेड होने लगे. द पेपेसी एनकरेज द वर्क ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन जियोग्राफर एंड ट्रैवलर हसन अल वजन, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं. तो पेपेसी ने नॉर्थ अफ्रीकन जियोग्राफर जिसका नाम है हसन अल वजन, जिसको यूरोप में लियो अफ्रीकनिस के नाम से जाना गया, हु रोट द फर्स्ट जियोग्राफी ऑफ अफ्रीका, जिसने अफ्रीका की पहली जियोग्राफी लिखी इन द अर्ली 16th सेंचुरी फॉर पोप लियो 10th, जेसुइट चर्चमैन ऑब्जर्व एंड रोट ऑन जापान इन द 16th सेंचुरी, ठीक है. तो पेपेसी यानी अथॉरिटी ऑफ द पोप, उन्होंने एनकरेज किया नॉर्थ अफ्रीकन जियोग्राफर का एक वर्क, ट्रैवलर थे जिनका नाम था हसन अल वजन, जिनको अफ्रीका, यूरोप में लियो अफ्रीकनिस के नाम से जाना गया, क्योंकि इन्होंने अफ्रीका की पहली जियोग्राफी की बुक लिखी थी अर्ली 16th सेंचुरी में पोप लियो 10th के लिए, जो एक चर्चमैन थे, एंड रोट ऑन जापान इन द 16th सेंचुरी. एन इंग्लिशमैन विल एडम्स बिकेम अ फ्रेंड एंड अ काउंसिलर ऑफ द जैपनीज शोगन,
Tokugawa Ieyasu in the early 17th century. As in the case of Hasan al-Wazn, peoples that the Europeans encountered in America often took a great interest in them and sometimes worked of them for them. तो जो हसन अल वजन का रिटन अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग लोग जो है वो ये यूरोपियन लोग जो है वो एनकाउंटर अमेरिका से एनकाउंटर जब उनका होता है ऑफन टू का ग्रेट इंटरेस्ट इन दैम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो उनमें और उनके लिए काम भी करते हैं कई बार. फॉर एग्जांपल एन एस्टिक वुमेन लेटर नोन एज डोना मरीना, एक एस्टिक महिला थी जिनका नाम था डोना मरीना, बिफेंडेड द स्पेनिश कंक्वायरर ऑफ मेक्सिको कोर्ट्स एंड इंटरप्रेटेड एंड नेगोशिएटेड फॉर हिम. तो जिन्होंने फ्रेंड बने स्पेनिश कंक्वायरर मतलब जीतने वाला, तो जो मेक्सिको और कोर्ट्स के कंक्वायरर थे स्पेनिश कंक्वायरर थे उनके लिए इंटरप्रेट किया और उनसे नेगोशिएट किया. आस्टेक जो होता है अ मेम्बर ऑफ द इंडिजेनस पीपल ऑफ मेक्सिको. ठीक है. In the encounters, Europeans were sometimes cautious, self-effacing, and observant. Even as they frequently attempted to establish trade monopolies and enforce their authority by force of arms, as the Portuguese attempted to do in the Indian Ocean after Vasco da Gama's arrival in Calicut, present day Kozhikode in 1498. तो ये जो encounters, ये जो आमना सामना होता था, इसमें Europeans कई बार cautious होते थे, यानी सतर्क, कई बार self-effacing होते थे, यानी shy. एंड ऑब्जर्वेंट कई बार ऑब्जर्विंग होते थे, जबकि वो खुद ट्रेड में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करना चाहते थे, है ना, एंड एनफोर्स देयर अथॉरिटी बाय फोर्स ऑफ आर्म, और अपनी अथॉरिटी को एनफोर्स करना चाहते थे चाहे आर्म के फोर्स से हो. एज अ पुर्तगीज अटेम्प्टेड टू डू, जैसा पुर्तगीज ने करने का कोशिश किया इन द इंडियन ओशन आफ्टर वास्को डी गामा अराइवल एट द कालीकट. जब वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचे 1498 में, तो पुर्तगीज ने जैसा अपने इन्फ्लुएंस को इस्टेब्लिश करने का आर्म्स के थ्रू ट्राई किया था, वैसे ही यूरोपियंस भी करते थे. सॉरी. इन अदर केसेस दे वर ओवरबेयरिंग. ओवरबेयरिंग मीन्स होता है ओवरपावरिंग, aggressive and cruel, and adopted an attitude of superiority to those they met, considering such people ignorant. The Catholic Church encouraged both attitudes. The church was the center for the study of other cultural and languages, but encouraged attacks on people it saw as unchristian. तो कुछ Europeans जो होते थे वो कई बार अपनी मोनोपोली को एस्टैब्लिश करने के लिए, ट्रेड में अपनी मोनोपोली मतलब खुद का अधिकार एस्टैब्लिश करने के लिए कई बार, कभी तो वो सेल्फ एफेसिंग होते थे, ऑब्जर्वेंट होते थे, कभी कभी कॉशियस होते थे, बट कभी कभी वो ओवरबेयरिंग हो जाते थे, यानी अनप्लीजेंटली ओवरपावरिंग हो जाते थे, अग्रेसिव हो जाते थे, क्रूअल हो जाते थे, और एक सुपीरियॉरिटी का एटीट्यूड वो अडाप्ट कर लेते थे जिन भी लोगों से वो मिलते थे, और ऐसे लोगों को इग्नोरेंट मानते थे. और चर्च ऐसे दोनों ही एटीट्यूड्स को अपनी अनुमति देता था. चर्च जो था नॉलेज का एक सेंटर था, अलग अलग लैंग्वेजेस को जानने का सेंटर था, बट ऐसा इनोसेंट पीपल पे अटैक करने जैसा जो एटीट्यूड था वो उन्हें अनक्रिश्चियन बोलता था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ऐसा कभी नहीं कहती. सॉरी. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉन यूरोपियंस द एनकाउंटर विद यूरोप वेरीड. For much of the Islamic lands in India and China, though Europeans remained a curiosity until the end of the 17th century. यानी बहुत से इस्लामिक लैंड्स हैं, या इंडिया और चाइना की बात करें तो बहुत से यूरोपियंस जो है उनके लिए क्यूरियोसिटी जो है एंड ऑफ द 17th सेंचुरी तक रही. They were perceived as hardy traders and seamen who had little to contribute to their sense of the larger world. उन्हें ऐसा परसीव किया जाता था, उन्हें हार्डी ट्रेडर्स के तौर पर देखा जाता था या सीमैन के तौर पर देखा जाता था, जो बहुत अपना इस वर्ल्ड को एक बहुत छोटा सा हिस्सा अपना कंट्रीब्यूट करते हैं. द जापानीज लर्न सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूरोपियन टेक्नोलॉजी क्विकली. जापानीज ने कुछ यूरोपियन टेक्नोलॉजी को बहुत क्विकली ग्रैब किया. फॉर इंस्टेंस दे हैड बिगन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मस्केट्स बाय द लेट 16th सेंचुरी. क्योंकि जापानीज ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन मस्केट का 16th सेंचुरी के लास्ट तक उसका मास प्रोडक्शन जो था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो था वो उन्होंने शुरू कर दिया. इन द अमेरिकाज एनिमीज ऑफ एस्टेक एम्पायर समटाइम्स यूज यूरोपियंस टू चैलेंज द पावर ऑफ एस्टेक्स.
एस्टेक्स का, एस्टेक्स जो अभी हमने बताया, मेंबर्स ऑफ इंडिजिनस पीपल डोमिनेंट इन मेक्सिको, मेक्सिको के इंडिजिनस पीपल के मेंबर्स जो है वो एस्टेक कहलाते हैं। तो एस्टेक एम्पायर के जो दुश्मन होते थे वो यूरोपियंस को उनको उनकी एस्टेक की पावर्स को चैलेंज करने के लिए यूज़ करते थे। एट द सेम टाइम द डिजीजेस द यूरोपियंस ब्रॉट डिवेस्टेटेड द पॉपुलेशन लीडिंग टू डेथ ऑफ ओवर 90% ऑफ द पीपल इन सम एरियाज बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। तो ऐसे समय में इन द सेम टाइम द डिजीजेज ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस के डिजीज जो थे, द डिजीजेज द यूरोपियंस ब्रॉड डिवेस्टेटेड, उसने डिवेस्ट कर दिया द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को, जिसमें 90% तक के लोग जो थे वो एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, कई कई एरियाज में तो 90% तक के लोग जो थे उनकी पॉपुलेशन घट गई कुछ कुछ एरियाज में 16th सेंचुरी के लास्ट में। तो ऐसी बहुत सी डिजीजेस थे जो यूरोपियंस लाए और जिन्होंने पॉपुलेशन को बहुत डिवेस्टेट किया। ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइमलाइन थर्ड फ्रॉम 1300 टू 1700। रीड दिस टाइमलाइन ऑन योर ओन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और इश्यूज फ्रॉम दिस टॉपिक यू मे नोट इट डाउन एंड आस्क इन आवर नेक्स्ट लाइव सेशन। That's all for today. We'll meet in our next video. Till then, take care, stay safe, and thank you for watching.